बेटा तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए था। कम से कम मम्मा जी और साइमा के आने का इंतजार तो करते। तुम जाके इस तरह बच्चे को लेकर आ गए हो, बहुत गलत किया है तुमने। कुछ गलत नहीं किया इसने, जो किया इसने ठीक किया। मुताहिर होता तो वो इसे बच्चा कभी भी ना देता। तुम जो गई थी साइमा से बात करने, तो क्या हुआ? अम्मी जो भी, मुझसे बस फातिमा की हालत नहीं देखी गई। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी भी ना माफ करता। और कर भी तो कितनी बड़ी ज्यादती रहे ना वो, इतने छोटे बच्चे को उन्होंने माँ से जुदा कर दिया। बेटा कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो, मगर मैं इस मामले को मजीद नहीं उलझाना चाहती। ये बेटी की ससुराल का मामला है, तुम नहीं समझते इन नाजुक रिश्तों को। देखो अगर वो आएंगे तो मैं खुद बात कर लूंगा उनसे। बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। अभी हम जिंदा हैं, फातिमा लावारिस नहीं। आप तो रहने दीजिए मंसूर, मैं खुद मुताहिर और साइमा से बात कर लूंगी। आपका गुस्सा कहीं मजीद ना उलझा दे सारे मामले को। अम्मी अब गुस्से से ही बात करनी होगी, बहुत हो गया, बहुत फायदा उठा लिया उन्होंने हमारी शराफत का। बाबा ही बात करेंगे। तुम तो दूर ही रहो इस मामले से, बहुत छोटे हो अभी। जो बात करेंगे मैं और तुम्हारे बाबा करेंगे, समझे तुम? असली मुताहिर, 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 जी 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 सॉरी 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 मुताहिर, तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। देखो अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। वैसे भी हम एक होने वाले हैं, तो अगर मेरे साथ शेयर नहीं करोगे तो फिर फायदा ही क्या है? एक्चुअली पता नहीं सवेरा मुझे ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए मुझसे बात, बताओ। सवेरा मेरे एक पीर साहब हैं, मैं उन्हें बड़ा मानता हूँ। मैंने उनसे तुम्हारे और अपने बारे में बात की कि मैं इस तरह एक लड़की को पसंद करता हूँ और मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ। तो जानती उन्होंने बहुत ही अनोखी सी बात करती मेरे साथ। उन्होंने कहा कि जब तक तुम्हारा निकाह उस लड़की से नहीं हो जाता तो ना तुम अपनी फैमिली में किसी को बताओ और ना ही वो लड़की या उसकी फैमिली अपने अजीजों कारिब में किसी को ना बताए। हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। Sorry. मैं जानता था। अब क्यों हंस रही? मैं हंसू नहीं तो और क्या करूं? तुम बात ही ऐसी कर रहे हो। आजकल के जमाने में ये सारी चीजें कौन बिलीव करता है मुताहिर? और अगर करते भी हैं तो ये उनकी ईमान की कमजोरी होती है और कुछ नहीं। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन क्या ये हो सकता है कि जब तक मेरी और तुम्हारी शादी या निकाह ना हो, तुम्हारी वालदा अपने दोस्तों में या अपने रिश्तेदारों में मेरा नाम ना ले? प्लीज, सिर्फ मेरी दिल की तसल्ली के लिए, प्लीज, मेरी खातिर। लेकिन मुताहिर
तुम समझ नहीं रहे ये सारी बातें। सवेरा मैं एक बहुत ही सुपरस्टिशियस किस्म का आदमी, प्लीज क्या तुम मेरे लिए इतनी सी बात नहीं मान सकती यार? मतलब ठीक है मुताहिर, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारी खातिर कर रही हूँ, वरना यू नो कि मैं इन बातों में बिल्कुल बिलीव नहीं करती। ठीक है, खुश? बहुत खुश।